हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपना परिवार मस्त क्लासेस में तहे दिल से स्वागत है। आज के इस वीडियोस में मैं आप सबको भौतिकी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों से रूबरू कराऊंगा और भौतिकी के यानी कि साइंस के आपके 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों से रूबरू कराऊंगा, फिर जस्ट उसके बाद आपके मैथ से रूबरू कराऊंगा। तो आप वीडियोज़ को अंत तक देखें, और जो नए स्टूडेंट्स हैं पहली बार चैनल मस्त क्लासेस पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल का जो बेल आइकन होता है उसे भी क्लिक कर ले, और ताकि कोई वीडियो डाला जाए तो सबसे पहले आप सबको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है ना। और जो लोग वीडियो को देख रहे हैं वह वीडियो को एक लाइक करना ना भूले, क्योंकि आपकी एक लाइक हमारी हौसला को बढ़ाती है, ठीक है। कभी दोस्ती कभी दुश्मनी ये कुदरत के नज़ारे हैं, कभी दोस्ती कभी दुश्मनी ये कुदरत के नज़ारे हैं, प्यास तो उन्हें भी लगती है जो समुद्र के किनारे हैं, ठीक है दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं भौतिकी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, उसके बाद रसायन शास्त्र और फिर बायोलॉजी। एक ही वीडियोस में तीनों आपके साइंस के क्वेश्चंस को दिखा दूंगा और फिर मैथ के भी दिखा दूंगा, ठीक है। पहला है कि विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। पहला ऑप्शन लोहे का, बी है तांबा का, सी है टंगस्टन का और डी है एल्युमिनियम का। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, तंतु भी जिसे कहते हैं, इसका जो करेक्ट आंसर होगा मैं बता रहा हूँ, मिलाइएगा। पहले का सी है टंगस्टन, सी है टंगस्टन, संघर्षण सही है ना। आगे देखिए दो, जो भी स्टूडेंट सी बताया था उनका सही है। दो क्वेश्चंस क्या रहता है, अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है यू बाई वी, बी है यू वी, सी है यू प्लस वी और डी है यू बटा वी। बताए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। अवतल लेंस में आवर्धन का सूत्र पूछ रहा है क्या होता है। आए मैं आप सबको इसका करेक्ट आंसर बताता हूँ, अवतल लेंस हो या उत्तल लेंस हो आवर्धन का सूत्र होता है वी बाई यू। दो का करेक्ट आंसर डी सही है, जो भी डी बताए उनका सही है, क्लियर। आगे देखिए तीसरा क्वेश्चन, तीसरा है गोलीय दर्पण में फोक्सांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। पहला ऑप्शन आर बराबर टू एफ, बी है एफ आर, एफ इक्वल टू आर, सी है एफ बराबर माइनस आर बाई टू और डी है आर बराबर एफ बाई टू। बताए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। गोलीय दर्पण में फोक्सांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध पूछ रहा है, जल्दी से जवाब दें। आइए मैं आप सबको इसका करेक्ट आंसर बताता हूँ। तीन का जो करेक्ट आंसर है, गोलीय दर्पण में फोक्सांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है, इसका करेक्ट आंसर है आर बराबर टू है, फोकस दूरी की दोगुना त्रिज्या होती है, ठीक है। तीन का ऐसा ही क्लियर। आगे देखिए चार क्वेश्चन, चार कह रहा है कि विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है। पहला ऑप्शन विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर, बी कह रहा है प्रेरित विद्युत पर, सी है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर और डी है विद्युत प्रेरित चुंबकत्व पर। पता है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है, जल्दी से जवाब दें। चार का करेक्ट आंसर बताइए, विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है। आइए मैं इसका करेक्ट आंसर बताता हूँ, मिला है अपना ऑप्शन कि विद्युत जनित्र जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है, इसलिए चार का जो करेक्ट आंसर है सी सही है, जो भी स्टूडेंट ने सी बताया उनका सही है। आइए क्वेश्चन नंबर फाइव पे नज़र डालते हैं, ठीक है। फाइव कहता है ना कि किसी बिंब का, बिंब है वस्तु जिसको कहते हैं, का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो है आभासी सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया, वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए, यानी बहुत बड़ा हो पाया गया प्रतिबिंब तो वहाँ वस्तु को कहाँ रखेंगे हम लोग। पहला कह रहा है मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, बी कह रहा है वक्रता केंद्र पर, सी कह रहा है वक्रता केंद्र से पर मतलब दूर, परे मतलब दूर होता है परे लिख दीजिए दूर, और डी कह रहा है दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। बताए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आए इसका करेक्ट आंसर बता रहा हूँ मैं, मिलाएंगे कि जब हम किसी बिंब को यानी वस्तु को दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच रखते हैं ना, उसका जो प्रतिबिंब बनता है वह बिंब वस्तु से बड़ा पाया जाता है, ठीक है। इसलिए पांच का करेक्ट आंसर डी सही है, जो भी स्टूडेंट डी दे रहे हैं ना उनका सही है। आगे सिक्स क्वेश्चन बताने से पहले मैं उन स्टूडेंटों का नाम ले देता हूँ जिन्होंने पिछले वीडियोस जो रिवीजन क्लास था उसमें अच्छा प्रदर्शन किए थे। उनमें है मुशर्रफा बेगम, मुस्कान, सादिक आलम, नीतीश यादव, सलमा सुल्तान, रुखसार खान, शब्बा परवीन, बेबी चांदनी, सैफ अली, हरिचंद्र सोनी, इन सब बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी तरह से आप सब मेहनत करें, आपको ज़रूर बेस्ट सफलता मिलेगी, और जो नए आ रहे हैं उनके भी आगे की वीडियोस में नाम आएंगे, ठीक है ना। ठीक है, आप सब इसी तरह से सपोर्ट सर को करें,
ताकि सर को और उत्साहित होकर आपके लिए बहुत मज़ेदार वीडियो ला सके, ठीक है ना। तो मुसरफा हो गई, सादी कालम, परवेज, सब्बा, रुखसार, शलमा, सैफ अली, हरिचंद्र, सोनी, नीतीश यादव, दीक्षा, तासीर है, फिर इसके बाद और भी स्टूडेंट्स आए हैं जो कि अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी तरह से मेहनत करते रहिए आप लोग, ठीक है। देखिए सिक्स क्वेश्चन कहता है कि एक उत्तल लेंस में होता है कैसा होता है, सभी जगह समान मोटाई का, बी कह रहा है बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, सी कह रहा है किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। बताए आप इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए आप लोग उत्तल लेंस देखे हो ना, ऐसा होता है फिगर का, वो किनारों की अपेक्षा क्या है, बीच में मोटा है, और किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा आपके सी ऑप्शन में है ना, जो छः का सी सही है, लगा ले करेक्ट आंसर सी सही है, क्लियर। आगे देखिए सात क्वेश्चन, सात कहता है कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब है वह है, पहला कहता है कॉर्निया, बी कह रहे हैं परितारिका, सी कह रहे हैं पुतली, और डी कह रहा है दृष्टिपटल। बताए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वह कैसा है, कॉर्निया, परितारिका, पुतली, दृष्टिपटल। बताए सात का करेक्ट आंसर क्या होगा। आइए मैं इसका करेक्ट आंसर बताता हूँ, मिलाइएगा। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वह दृष्टिपटल होता है, ठीक है। सात का डी सही है, जो भी स्टूडेंट ने डी बताया उनका करेक्ट है। आगे देखिए आठ क्वेश्चन है कि विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक होता है, पहला वोल्ट, बी है कूलम, सी है वाट, डी है एम्पियर। बताए आप सब मात्रक पर ध्यान दें, मात्रक तो जरूर परीक्षा में आता है, ठीक है। तो बताइए विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। आइए मैं इसका करेक्ट आंसर बताता हूँ, मिलाइएगा अपना आंसर। विद्युत धारा का जो ऐसा ही मात्रक होता है ना वो एम्पियर होता है, इसलिए आठ का करेक्ट आंसर डी चाहिए, एम्पियर लगा ले, ठीक, एम्पियर। जो भी स्टूडेंट ने एम्पियर बताया वो करेक्ट जवाब दिया है ना। आगे देखिए नौ क्वेश्चन, नौ कहता है ना आपके न्यूमेरिकल टाइप के ये क्वेश्चन है नौ, कि किसी विद्युत बल्ब पर 220 भी तथा 100 W अंकित है, जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होती है, बताना है शक्ति का मान बताना है। पहला ऑप्शन कह रहता है 100 वाट, बी कह रहा है 75 वाट, और सी कह रहे 50 वाट, और डी है 25 वाट। बताइए आप सब इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आइए मैं इसका करेक्ट आंसर बताता हूँ, 110 वोल्ट हो गया, देखिए जब 220 वोल्ट था तो 100 वाट, और इसका हाफ हो गया 110, तो ये भी हाफ हो जाएगा, 100 का हाफ 50 वाट, इसलिए 9 का करेक्ट आंसर सी से, जो भी सी बताए ना उनका सही है, क्लियर। आगे देखिए 10 क्वेश्चन कहता है विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्राय किस पदार्थ के छड़ का प्रयोग होता है, पहला इस्पात का, बी कह रहा है पीतल का, सी है नरम लोहा का, डी है इनमें से कोई नहीं। बताए आप सब इसका करेक्ट आंसर जल्दी से जवाब दे कि विद्युत चुंबक बनाने में किसका हम प्रयोग करते हैं। आइए मैं इसका करेक्ट आंसर बताता हूँ, मिलाइएगा। विद्युत चुंबक बनाने के लिए हम सब नरम लोहे के छड़ का प्रयोग करते हैं, इसलिए 10 का करेक्ट आंसर सी सही है, नरम लोहा, क्लियर। आगे देखिए 11 क्वेश्चन, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है 220 वोल्ट पर दिष्ट धारा होती है, और बी कह रहे हैं 12 वोल्ट पर दिष्ट धारा होती है। आगे के दो ऑप्शन देखिए, सी कहता है कि 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है, और डी कहती है 12 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है। पता है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। अरे मैं बता रहा हूँ, मिलाइएगा। इसका करेक्ट आंसर जो है 11 का सी सही है, 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा सही होती है, ठीक है ना, 11 का सी, क्लियर। आइए क्वेश्चन नंबर 12 पे नजर डालते हैं, जो कह रहा है किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है वह है, पहला ऑप्शन कॉर्निया, बी है रेटिना, सी है पुतली, और डी है आयरिस। पता है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो है आंख के जिस भाग पर पड़ता है वह क्या कहलाता है, कॉर्निया कहलाता है, बी रेटिना, सी है पुतली, और डी है आयरिस। पता है 12 का करेक्ट आंसर क्या होगा। आइए मैं इसका करेक्ट आंसर बताता हूँ, मिलाए अपना आंसर। 12 का जो करेक्ट आंसर होगा ना आँख के, क्वेश्चन फिर एक बार मैं पढ़ के बता देता हूँ, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता है वह कहलाता है, उसका क्या आंसर होगा। तो देखिए मैं बता रहा हूँ, आँख किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर बनता है उसे रेटिना कहते हैं, इसलिए 12 का जो है बी सही, क्लियर। आगे देखिए 13 क्वेश्चन, एक स्वस्थ आँख की दूरी दूरबिंदु होता है, पहला 25 cm, बी है 0, सी है 250 cm, और डी है अनंत। यानी एक आँख जो है स्वस्थ कितनी दूर तक की वस्तुओं को देख सकता है, बताना है। आइए मैं इसका करेक्ट आंसर बताता हूँ, एक स्वस्थ आंख जो है अनंत तक की दूर वस्तुओं को देख सकता है, इसलिए 13 का करेक्ट आंसर डी सही होगा। जो भी स्टूडेंट ने डी बताया वो सही है, जो भी 25 cm बता रहा है वो गलत है, क्योंकि वो न्यूनतम बिंदु है, यहाँ पे दूर बिंदु पूछ रहा है ना, न्यूनतम बिंदु
25 हो जाता लेकिन दूर बिंदु में अनंत होगा। अब यहाँ से आप लोग का रसायन शास्त्र शुरू हो रहा है। मैंने रसायन शास्त्र के भी क्वेश्चंस लिए हैं, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है N2 अणु में नाइट्रोजन परमाणुओं के बीच कितने संयोजन आबंध होते हैं। पहला एक, बी कह रहा है दो, टी सी कह रहा है तीन, डी है इनमें से कोई नहीं। N2 अणु में नाइट्रोजन परमाणुओं के बीच कितने संयोजन आबंध होते हैं, ठीक है। तो N2 के बाह्यतम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक N2 में, है ना, ये 5 हो गया, एक नाइट्रोजन में 5 इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा में। तो जब बंधन बनाने की काम होती है तो तीन तीन इलेक्ट्रॉन अपने आप में साझा करते हैं, तो यहाँ पे साझा की ही बात कर रही है, इसलिए 14 का करेक्ट आंसर सी सही है। जो भी सी बता रहे हैं ना वो सही है। आगे देखिए 15, बेंजीन का अणु सूत्र बताना है। पहला कह रहा है CH4, बी कह रहा है C2H2, सी कह रहा है C6H6 और डी है C2H4। बताए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बेंजीन का अणु सूत्र क्या होता है। आइए मैं इसका करेक्ट आंसर बताता हूँ, मिलाइएगा। बेंजीन का जो अणु सूत्र है वह C6H6 होता है, ठीक है। जो भी स्टूडेंट ने 15 का सी बताया वो करेक्ट जवाब दिए, 15 का सी सही है, क्लियर। आगे देखिए 16 क्वेश्चन, जस्ता एवं तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्नांकित में कौन गैस बनता है। गैस का नाम बताना है, जब अभिक्रिया होता है जस्ता का HCl के साथ, यानी Zn+HCl किया जाता है, तो कौन सा गैस होता है। तो देखिए इसमें एक ही गैस है, हाइड्रोजन, है ना, और यही गैस जो है बाहर निकलेगी। अब 16 के देखिए सी ऑप्शन में H2 लिखा हुआ है, इसे 16 का सी सही है, क्लियर। जो भी स्टूडेंट ने सी बताया वो सही जवाब है, ठीक है। आगे देखिए 17, बहुत अच्छा क्वेश्चन 17, ये हरदम परीक्षा में एक एक साल के अंतराल पे या कभी लगातार भी पूछता है। कहता है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। पहला ऑप्शन CaCO3, बी कहता है MgCO3 और सी कह रहा है ऑप्शन CaHCO3 का वोल्ट वाइज और डी कह रहा है MgHCO3 का वोल्ट वाइज। बताए 17 का करेक्ट आंसर क्या होगा, संगमरमर का रासायनिक सूत्र है। आइए मैं इसका करेक्ट आंसर बताता हूँ, मिलाएंगे। संगमरमर का जो रासायनिक सूत्र होता है वह CaCO3 होता है, इसलिए 17 का करेक्ट आंसर ऐसा ही है। कैल्शियम कार्बोनेट, 17 का ऐसा ही है, इसे कैल्शियम कार्बोनेट भी कहते हैं ना। आगे देखिए 18 कहता है कि बॉन्ड COOH अब क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। पहला कीटोन, बी है एल्डिहाइड, सी है अम्ल और डी है ईथर। बताए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बॉन्ड COOH अभिक्रियाशील मूलक जो है उसको क्या कहते हैं, कीटोन कहते हैं, एल्डिहाइड कहते हैं या अम्ल कहते हैं या डी ईथर। 18 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से जवाब दें। देखिए इसको ना COOH को एसिटिक अम्ल कहा जाता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर सी सही है, 18 का सी। जो भी सी बताए ना वो सही जवाब दिया। आगे देखिए 19, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है, क्या आवश्यक है। पहला कहता है कि हीलियम, बी कहता है क्रोमियम, सी है यूरेनियम, डी है एल्यूमिनियम। बताए 19 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से जवाब दें। नाभिकीय ऊर्जा जो प्राप्त किया जाता है उसमें किसका इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन 4 19 का दिया हुआ बताए, आए मैं बता रहा हूँ, मिलाएंगे। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए यूरेनियम का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए 19 का करेक्ट आंसर सी सही है। जो भी सी बताए ना वो सही जवाब दिया। आगे देखिए 20, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है। पहला O2, बी है NH3, सी CO2 और डी है N2। बताए इसका करेक्ट आंसर क्या है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो वातावरण का चेंजिंग कर रहा है उसमें किस गैस सबसे ज़्यादा उत्तरदायी है बताना है। आइए मैं बता रहा हूँ, मिलाइएगा। ग्लोबल वार्मिंग के लिए, वातावरण चेंजिंग के लिए जो उत्तरदायी गैस है वो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड है, इसलिए 20 का सी सही है। जो भी 20 का सी बताए ना वो सही जवाब दिए, क्लियर। आगे देखिए 21 क्वेश्चंस, 21 कहता है ना कि लिटमस बिलियन बैंगनी रंजक होता है, बैंगनी रंजक होता है जो निम्न में से किससे निकाला जाता है। पहला लाइकेन से, बी लाल पत्ता गोभी से, सी हल्दी से, डी है पेटूनिया फूल से। बताए लिटमस बिलियन बैंगनी रंजक होता है, बैंगनी रंग का होता है, किससे निकाला जाता है। पहला लाइकेन से, बी है लाल पत्ता गोभी से, सी है हल्दी से, डी है पेटूनिया फूल से। बताए जल्दी से 21 का करेक्ट आंसर बताइए आप सब। आए मैं 21 का करेक्ट आंसर बताता हूँ, मिलाइएगा। 21 का करेक्ट आंसर लिटमस जो बैंगनी रंजक होता है वो लाइकेन पौधे से निकला, 21 का सही है। जो भी ये बताए वो सही है, क्लियर। आगे देखिए 22 क्वेश्चंस कहता है कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है। Na2ZnO+H2, NaZnO2+H2, सी कह रहा है NaOZn2+H2, डी कह रहा है Na2ZnO2+H2। आप बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ना, जब सोडियम हाइड्रोजन से अभिक्रिया करता है तो इसका उत्पाद जो है Na2ZnO2+H2 होता है, इसलिए 22 का करेक्ट आंसर डी सही है। जो भी डी बताए ना वो सही जवाब दिए, क्लियर। आगे देखिए 23 क्वेश्चन कहता है किसी भी उदासीन बिलियन का पीएच मान होता है। पहला 5, बी है 7, सी है 14, डी है 0। बताए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, उदासीन बिलियन का पीएच मान बताना है। आइए मैं इसका करेक्ट आंसर बताता हूँ, मिलाए अपना,
किसी भी उदासीन विलयन हो उसका पीएच मान जो होता है हमेशा 7 होता है ना, इसलिए 23 का करेक्ट आंसर बी सही है, जो भी बी बताए वो सही है। आगे 24 कहता है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र बताना है, पहला NaHCO3, बी NaOH, सी Na2CO3, डी KOH, बताए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बेकिंग सोडा खाने वाला सोडा का बताना है, आइए मैं इसका करेक्ट आंसर बताता हूँ, मिलाइएगा। खाने वाले सोडे का जो है रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, इसलिए 24 का करेक्ट आंसर है सही है, ठीक है ना, जो भी ये बताए उनका सही है, क्लियर। आगे देखिए 25 क्वेश्चंस कहता है कि एक्वारेजिया मिश्रण में HCl एवं HNO3 का अनुपात होता है, कितना अनुपात होता है बताना है, पहला है 3:1, बी है 1:3, सी है 2:2 और डी है 1:2, बताए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 25 का, एक्वारेजिया सॉल्यूशन में बताना है। देखिए मैंने आपको कितना बार क्वेश्चंस ये आए हैं पीछे भी, मैंने इसका हिंट्स भी बताया कि यहाँ HCl में देखिए एक छुपा है आगे, इसमें 3 लगने के 3 हो गया, इसलिए 25 का 1:3 करेक्ट आंसर होता है, इसलिए 25 का भी सही है ना। आगे देखिए 26 क्वेश्चन कहता है कि एक पिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, लाल था नीला कर दिया, तो उसका पीएच मान क्या होगा, 1, 4, 7, 10। तो देखिए लाल से जब पीला होता है तो बिलियन जो होता है क्षारीय हो जाता है, कैसा हो जाता है क्षारीय, और क्षारीय बिलियन का जो पीएच मान होता है ना वह 7 से अधिक होता है, और इसमें 7 से अधिक डी ऑप्शन में है, इसलिए 26 का करेक्ट आंसर डी सही है, जो भी डी बताए उनका सही है। आगे देखिए 27 क्वेश्चन, अब यहाँ से आपका शुरू होता है जीव विज्ञान, है ना, जीव विज्ञान के क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से होता है, पहला वायवीय, बी है अवायवीय, सी है दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं, बताए 27 का करेक्ट आंसर क्या होगा, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है, जल्दी से जवाब दें। देखिए इथाइल अल्कोहल जो है उसमें वायु की अनुपस्थिति में यह श्वसन होता है, और वायु की अनुपस्थिति में जो श्वसन होता है उसे अवायवीय कहते हैं, 27 का करेक्ट आंसर बी सही है, जो भी स्टूडेंट ने बी बताया वो करेक्ट आंसर दिया है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 जो कह रहा है कि स्वकोशी पोषण के लिए आवश्यक है कौन सा आवश्यक है, CO2 आवश्यक है, कि क्लोरोफिल आवश्यक है, सी कह रहा है सूर्य का प्रकाश आवश्यक है, डी इनमें से सभी, बताए स्वकोशी पोषण के लिए कौन सा आवश्यक है। आइए मैं इसका करेक्ट आंसर बताता हूँ, स्वकोशी पोषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश सभी के सभी आवश्यक है, इसलिए 28 का करेक्ट आंसर डी सही है, जो भी स्टूडेंट ने डी बताया वो करेक्ट जवाब दिए, क्लियर। आगे देखते हैं 29 क्वेश्चन, 29 कहता है निम्नांकित में किसे आप उपभोक्ता के श्रेणी में रखेंगे, कंज्यूमर ग्राहक के श्रेणी में रखेंगे, पहला हरे पौधे को, बी कह रहा है नीलहरित शैवाल को, सी कह रहा है जंगली जानवर को, डी फूल और पत्ते को, आप बताइए किसको रखेंगे। आइए मैं इसका करेक्ट आंसर बताता हूँ, मिलाइएगा, उपभोक्ता श्रेणी में हम लोग उपभोक्ता जंगली जानवर को रखेंगे, ये सारे के सारे खुद अपना भोजन बनाते हैं, हरे पौधे, नीलहरित शैवाल, फूल और पत्ते, इसलिए 29 का करेक्ट आंसर सी सही है, जो भी सी बताए ना वो सही जवाब दिए हैं। आगे देखिए 30 क्वेश्चन कहता है कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है, स्वपोषी, मृतजीवी, समभोजी, डी है इनमें से कोई नहीं, बताए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कवक में पोषण की कौन सी विधि अपनाई जाती है। आए मैं इसका करेक्ट आंसर बता रहा हूँ, मिलाइएगा अपना आंसर, कवक में जो पोषण की विधि होती है वह मृतजीवी पोषण कहलाती है, 30 का जो भी स्टूडेंट ने बी बताया वो सही जवाब दिए, 30 का बी सही है, मृतजीवी। आगे देखिए 31 क्वेश्चन कहता है कि मानव में डायलिसिस थैली है, नेफ्रॉन है, बी कह रहा है न्यूरॉन है, सी है माइटोकांड्रिया है, डी इनमें से कोई, बताए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 31 का। देखिए मैं इसका बता रहा हूँ कि मानव में डायलिसिस थैली जो होती है उसे हम लोग नेफ्रॉन कहते हैं, क्या कहते हैं नेफ्रॉन, इसलिए 31 का करेक्ट आंसर ये सही है, नेफ्रॉन मिला ले नेफ्रॉन, जो भी स्टूडेंट ने ये बताया वो सही जवाब दिए, ठीक है। आगे देखिए 32 क्वेश्चन कहता है पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, पत्तियों द्वारा होता है, तना द्वारा होता है, फूलों द्वारा होता है, डी बीज द्वारा होता है, बताइए पौधे जो होते हैं फूल वाले उनमें जनन की क्रिया कैसे होती है। आइए मैं इसका करेक्ट आंसर बता रहा हूँ, मिलाइएगा कि पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन जो होता है वह फूलों द्वारा होता है, कैसे होता है फूलों द्वारा होता है, ठीक है ना, इसलिए 32 का करेक्ट आंसर सी सही है, जो भी स्टूडेंट ने सी बताया वो सही है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे, देखिए 33 क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है, पहला सूखे घास पत्ते, बी है पोलिथीन गैस, सी है रबर, डी है प्लास्टिक की बोतलें, बताए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 33 का।
देखिए जीव जो है जैविक प्रक्रम द्वारा यानी जीव जंतुओं द्वारा अपघटित होने वाले जो पदार्थ हैं वह सूखे घास पत्ते हैं ना, वो नष्ट हो जाते हैं, इसलिए 33 का ए सही है। जो भी स्टूडेंट ने ए बताया वो सही है। ठीक है, आगे देखिए 34 क्वेश्चन कहता है कि प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहला कोयला, बी है सूर्य, सी है पानी, डी है लकड़ी। बताए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से जवाब दें। 34 का आप सब जवाब दें, प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। आए मैं इसका बताता हूँ, मिलाएंगे अपना ऑप्शन। प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है सूर्य है। 34 का करेक्ट आंसर बी सही है, जो भी बी बता रहे हैं ना वो सही जवाब दे रहे हैं। आगे 35 कहता है हरे पौधे क्या कहलाते हैं, उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता, और डी कह रहे हैं आहार श्रृंखला। बताए 35 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप बताए हरे पौधे को क्या कहते हैं, उत्पादक कहलाते हैं, अपघटक, उपभोक्ता या आहार श्रृंखला। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा, मिलाए मैं बता रहा हूँ, हरे पौधे जो है उत्पादक कहलाते हैं, प्रोड्यूसर कहलाते हैं, इसलिए 35 का करेक्ट आंसर ये सही है, क्योंकि वो भोजन अपना खुद बनाते हैं और दूसरे को भी देते हैं ना, पेड़ पौधे से हम लोग भी प्राप्त करते हैं, इसलिए उन्हें उत्पादक कहा जाता है। क्लियर। आगे देखिए 36 क्वेश्चन, ये भी परीक्षा में आया है कि कीटों के जो पंख और चमगादड़ के पंख होते हैं किस तरह के अंग हैं, समजात अंग है, अवशेषी अंग है, समवृत्ति अंग है, डी इनमें से कोई नहीं। बताए 36 का करेक्ट आंसर क्या होगा, आए मैं बता रहा हूँ, मिलाइएगा। कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख जो है वह समजात अंग के उदाहरण है, इसलिए 36 का करेक्ट आंसर ये सही है, जो भी ये बताए ना वो सही जवाब दिया। क्लियर। आगे देखें 37 क्वेश्चन, 37 क्वेश्चन कहता है कि भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, उपचयन, संयोजन, अपचयन, उपविस्थापन। बताए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, भोजन का पचना। आइए बता रहा हूँ, मिलाइए अपना आंसर फटाफट, कि भोजन का जो पचना है वो ऑक्सीकरण क्रिया है, और ऑक्सीकरण को हम लोग उपचयन भी कहते हैं, इसलिए 37 का करेक्ट आंसर है सही है। क्लियर, ये लगा लें, जो भी स्टूडेंट ने ये जवाब दिया उनका सही है। आगे देखिए 38 क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन एक उभयलिंगी जंतु है। पहला केंचुआ, बी है मछली, सी है शेर, डी है बकरी। बताइए जल्दी से आप सब, 38 का करेक्ट आंसर क्या होगा, उभयलिंगी जंतु का उदाहरण पूछ रहा है। आइए मैं इसका करेक्ट आंसर बता रहा हूँ, मिलाइएगा। उभयलिंगी जंतु जो है इसमें से केचुआ है, केचुआ जो है उभयलिंगी है ना, दोनों स्त्री और पुरुष लिंग दोनों एक ही में पाया जाता है, इसलिए 38 का करेक्ट आंसर ये सही है, जो भी स्टूडेंट ये बताए उनका सही है। आगे देखिए 39 क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है, यानी कि भूमि के अंदर। पहला नदी, बी है कुआं, सी है तालाब, और डी है समुंदर। बताए 39 का करेक्ट आंसर क्या होगा, भूमिगत जल का उदाहरण बताना है। आइए मैं बता रहा हूँ, मिलाइएगा इसका आंसर। इनमें से जो है ना भूमिगत जल का उदाहरण है वह कुआं है। क्या है, कुआं, इसलिए 39 का करेक्ट आंसर बी सही है, कुआं। जो भी स्टूडेंट ने बी बताया ना सही है। अब लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए इसे साइंस का, उसके बाद मैथ में बता रहा हूँ कि रक्त के आयरन की कमी से होने वाला कौन सा रोग है, टीबी, बी है मधुमेह, सी है एनीमिया, और डी है उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर। 40 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से जवाब दें। रक्त में आयरन की कमी हो जाती है तो कौन सी बीमारी होती है। आइए मैं इसका करेक्ट आंसर बताता हूँ, मिलाए अपना आंसर। रक्त में आयरन की कमी से एनीमिया नामक बीमारी होती है, इसलिए 40 का करेक्ट आंसर सी सही है। तो मैंने 40 आपके साइंस के इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन उसे अभी अभी इस वीडियो के माध्यम से आप सबको रूबरू कराया, उसमें कितने आपके करेक्ट आंसर हुए कमेंट में जवाब दें। और आप सब जाए कहीं नहीं, मैं आप सबको मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसे रूबरू करा रहा हूँ, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके आगामी एग्जाम में आएंगे, ठीक है ना। आप लोग को बस भरोसा रखना है, विश्वास रखना है, आप सब हम पे ट्रस्ट रखिए, विश्वास कीजिए, जरूर यही क्वेश्चन आएंगे। नहीं आएंगे तो फिर कहिएगा कमेंट में हमसे कि मैंने जो बताया तो एग्जाम में नहीं आया, ठीक है। आइए मैं आप सबको मैथ का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर मैं 33 से शुरू कर रहा हूँ मैथ में, इसके पीछे के वीडियोज में मैंने 32 तक क्वेश्चन का सोल्यूशन किया था, जबकि पहला क्वेश्चन है बिंदु -3 और -5 जो है किस पाद में स्थित है। पहला कह रहा है कि प्रथम पाद में, बी कह रहा है द्वितीय पाद में, सी कह रहा है तृतीय पाद में, डी कह रहा है चतुर्थ पाद में। आपका जवाब क्या होगा बताएं, -3 और -5 जो है किस पाद में स्थित है। आइए मैं इसका करेक्ट आंसर बता रहा हूँ, मिलाइएगा। बिंदु जो है -3 और -5 जो है वह तृतीय पाद में होता है, माइनस माइनस जो सिंबल होता है वह तृतीय पाद में होता है, इसे 33 का करेक्ट आंसर सी सही है। जो भी स्टूडेंट ने सी बताया उनका सही जवाब है, ठीक है। आगे देखें 34 क्वेश्चन, 2 कोस स्क्वायर 60 डिग्री का मान पूछ रहा है। पहला 1/3, बी है 1/4, सी है 1, और डी है 1/2। बताए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आइए मैं इसका करेक्ट आंसर बता रहा हूँ, मिलाइएगा। जैसे 2 cos 60,
कॉस 60 का आप लोग मान जानते होंगे 1/2 होता है, और यहाँ स्क्वायर लगा है तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 × 1/4 यहाँ कटा लीजिएगा दो बार में, तो बचेगा 1/2। क्लियर? तो आप 34 के देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी में 1/2 लिखा है, ठीक है ना, इसलिए 34 का डी सही है। जो भी स्टूडेंट ने डी बताया ना वो क्लियर है। आगे देखिए 35 क्वेश्चन। 35 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का जोगफल 3 तथा गुणनफल -10 है। देखिए मान लीजिए पहला ऑप्शन लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, तो b के जगह पर -3 है, माइनस तो 3 तो आ गया। अब गुणनफल होता है c/a, तो c का मान तो यहाँ पे 10 है, तो यहाँ -10 नहीं आ रहा, इसलिए ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, आगे है देखिए x² + 3x - 10, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस होता है ना, -b/a, तो -3 तो है लेकिन यहाँ पे माइनस आ गया, इसलिए भी ऑप्शन गलत, क्योंकि हमें जोगफल 3 चाहिए। क्लियर? अब यहाँ पे देखिए x² - α + β - b/a, तो माइनस यहाँ भी है और माइनस सूत्र में, तो प्लस मिल गया, α × c/a, तो c -10 मिल गया, यहाँ 3 और -10 c ऑप्शन में मिल जा रहा है, और यहाँ भी 3 और -10 कर रहा है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो है ना 15 का 35 का वो सी सही है। जो भी स्टूडेंट ने सी बताया उनका सही है। आगे देखिए 36 क्वेश्चन कहता है, निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या है, पहला 15, बी है 23, सी है 12 और डी है 75। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, अभाज्य संख्या बताना है। दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो किसी भी संख्या से ना कटे, इसे इंग्लिश में प्राइम नंबर कहते हैं ना, इसलिए 36 का करेक्ट आंसर इज बी 23। जो भी स्टूडेंट ने 23 बताया है वो सही जवाब दिया, क्योंकि 23 जो है वो किसी संख्या से विभाजित नहीं होती है। आगे देखिए 37 क्वेश्चन, 1 + tan θ + sec θ, 1 + cot θ - cosec θ बराबर है, तो इस ऑप्शन दिया है -1, बी है 0 और सी है 1 और डी है 2, तो इसका तो सोल्यूशन करना पड़ेगा, तो आइए मैं इसका सोल्यूशन करके ही दिखा देता हूँ कैसे बनाएंगे। ठीक है, देखिए 1 + tan θ + sec θ है ना, और फिर है 1 + cot θ - cosec θ, तो इसके देखिए 1 + tan को हम sin/cos लिखते हैं ना sin/cos, और sec को भी 1/cos। क्लियर? अब यहाँ देखिए 1 + cos/sin और यहाँ भी 1/sin। क्लियर? इतना तो समझ में आया, LCM लीजिएगा तो cos θ + sin θ, अब +1 बटा में cos θ। क्लियर? और यहाँ भी sin θ + cos θ और -1 बटा में sin, तो ऊपर देखिए sin cos, तो ये a हो गया और इसको ना b मान लिया, तो a + b का होल स्क्वायर का हो गया, तो sin θ + cos θ का होल स्क्वायर, और यहाँ पे -1 का स्क्वायर, नीचे cos θ × sin θ कर लिया। क्लियर? आगे थोड़ा बढ़ा के मैं दिखा देता हूँ बढ़िया से कि कैसे सोल्यूशन और आगे करेंगे। अब यहाँ सूत्र से जुड़ेंगे a² + b² + 2ab, तो 2 sin θ cos θ हो जाएगा ना, और -1 का स्क्वायर 1, यहाँ cos θ × sin θ। क्लियर? अब इसका वैल्यू 1 होता है तो 1 लिख लिया, +2 sin θ cos θ, अब -1 है, नीचे cos θ × sin θ, ये 1 कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया, अब ऊपर बचा है 2 sin θ cos θ, नीचे भी cos θ sin θ, तो cos θ sin θ कैंसिल, बच गया 2। अब ऑप्शन देख लीजिए कि 2 आया है कि नहीं, अब आइए आंसर दिखाता हूँ 2 है किस कौन से ऑप्शन में, तो देखिए 37 के डी ऑप्शन में 2 है, इसलिए 37 का करेक्ट आंसर डी सही है। क्लियर? देखिए 38 क्वेश्चन कहते हैं, यदि एक वृत्त की परिधि 2π से बढ़ाकर 4π कर दीजिए तो उसका क्षेत्रफल होगा। परिधि देखिए 2πr होता है, बराबर 2π दिया, तो 2π तो r का मान 1 था, अब यहाँ पे जब 2πr कर रहे हैं 4π लिखा है, तो 2π से दो बार में यहाँ r हो गया, तो उसका क्षेत्रफल होगा, देखिए इसमें क्षेत्रफल πr² तो 1 का स्क्वायर 1 है, यहाँ पाई r के जगह पर 2 है तो 4π, कई गुना बढ़ गया, यहाँ पाई है यहाँ 4π, 4 गुना बढ़ रहा है, इसलिए 38 का करेक्ट आंसर डी सही है। जो भी स्टूडेंट ने डी जवाब दिया वो सही जवाब दिया, ठीक है ना। आगे देखिए 39 क्वेश्चन, 39 का था, निम्न में से मूल बिंदु का नियामक कौन है, मूल बिंदु का, पहला 1 1, बी है 0 0, सी है -1 1 और डी है इनमें से कोई नहीं, तो आइए मैं इसका करेक्ट आंसर बताता हूँ कि निम्न में से मूल बिंदु का जो नियामक है वो 0 0 है ना, मूल बिंदु 0 0 होता है, 39 का बी सही है। जो भी स्टूडेंट ने बी बताया वो सही है। क्लियर?
आगे देखिए x बराबर माइनस पाँच का आलेख कैसी सरल रेखा होगी, एक्स अक्ष के समांतर, वाई अक्ष के समांतर, मूल बिंदु से जाती हुई और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष। एक्स में देखिए मान लीजिए माइनस पाँच इधर है, तो यहाँ माइनस पाँच है, अब लाइन यहीं पर खींचना है। तो ये किसके समांतर है, ये वाई अक्ष था ना, ये कौन सा अक्ष था, वाई अक्ष। तो ये वाई अक्ष के समांतर है ना, इसलिए 40 का करेक्ट आंसर बी सही है। एक क्वेश्चन और दिखाता हूँ, देखिए 41 क्वेश्चन कह रहा है ना कि साइन 63 बटा में कॉस 27 का मान क्या होगा, रूट 3, बी है 1, सी है 2 और डी है 3, बताए। तो मैंने आपको कितना बार बताया कि अगर ऊपर साइन हो नीचे कॉस हो और 63 और 27 जो भी अंक हो जोड़ने पे अगर 90 आ जाए, तो देखिए 63 27 के जोड़ने पे 90 आ रहा है, तो उसका मान हरदम एक होता है, बिना बनाए एक मार दें, इसलिए 41 का करेक्ट आंसर बी सही है। तो दोस्तों मैथ के भी मैंने आपको लगभग 2, 4, 6, 8, 9 क्वेश्चंस बताए, उसमें कितने आपके करेक्ट आंसर्स हुए वो कमेंट में जवाब दीजिएगा। आइए एक क्वेश्चन और देख लीजिए ताकि 10 क्वेश्चंस हो जाए। 42 कहता है कि एक दिया है शून्य निकालना है, तो देखिए इसको रैखिक बना लीजिए, 6x² प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0। शून्य निकालना है तो 6 × 12 हो रहा है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 6x² माइनस 4x प्लस 4x माइनस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से 2x कॉमन लिया तो 3x बच गया अब प्लस 2, और माइनस 1 कॉमन लिया तो 3x प्लस 2। आगे थोड़ा देख लीजिए, थोड़ा सा यहाँ से माइनस 1 कॉमन था, 2x माइनस 1 हो गया और यहाँ 3x प्लस 2 हो गया इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का जो मान आया 1/2, माइनस 1 था प्लस 1 2 भाग में, और यहाँ से x का जो मान आया माइनस 3/2, तो माइनस 1/2 और 3/2 तो ऑप्शन में तो कहीं है नहीं, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही है, जो भी डी बताया सही है। तो मैथ में 10 क्वेश्चन सब बता दिया, उसमें कितने सही है कमेंट में बताएं। और जियो ये वीडियो आपके लिए मैं लाया था रिवीजन क्लास, वो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर कर दे, क्योंकि आपकी एक लाइक है ना दोस्तों हमारी हौसला को बढ़ाती है। और आपके पास अगर थोड़ा सा समय है तो इस वीडियोज को अपने दोस्तों फ्रेंड्सों मित्रों में भी शेयर कर दें, ताकि ऐसे वीडियोज को देखकर वो भी अपनी तैयारी को मुकम्मल कर सके, ठीक है ना। तो जो नए हैं जिनको टाइमिंग नहीं मालूम है, मैं उनको बता दूं कि डेली शाम 7:30 लाइव क्लास मस्त क्लासेस पे चलता है, आप सब आए और सर को सपोर्ट करें, इसके लिए मैं आप सबको तहे दिल से स्वागत करता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, डैट इज ऑल फॉर टुडे, नाउ विल टॉक अबाउट टुमारो, इसी तरह के मज़ेदार वीडियो के साथ फिर मैं कल आप सबसे रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए आप सबको गुड नाइट फॉर ऑल स्टूडेंट्स, गुड नाइट फॉर एवरी फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत।